अंकेल मुंह मीठा कीजिए। क्यों बेटा, तूने पढ़ाई छोड़ दिया क्या? अरे मैं नहीं, आपके बेटे ने। क्या? अरे मतलब नौकरी मिल गई उसे क्या? देखा, मैं बोल रहा था ना कि हमारा बेटा बहुत तेज है, होशियार है हमारा बेटा। मेरा बेटा अरे भल्लाल देव की बाप की तरह हरकतें मत करो। उम्र सारी। मैं मिसेस सविता को, मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। मैं भी अपनी मम्मी को फोन पर बता देती हूँ, ठीक तो भाई ज्वाइनिंग अगले महीने है ना? हाँ, क्या हुआ, उदास क्यों है? अरे नहीं, उदास नहीं हूं। देख, बचपन से जानता हूं तुझे, तो सच बता, नौकरी से खुश नहीं है क्या? नौकरी नौकरी तो करनी ही नहीं है यार, नौकरी नहीं करना चाहता मैं। कुछ कुछ ऐसा करना चाहता हूं ताकि लोग मुझे पहचाने। जॉब करूंगा, शायद 20-30 हज़ार रुपए कमाऊंगा, लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। कुछ कुछ ऐसा बनना चाहता हूं ना ताकि मेरा नाम एक लैंडमार्क बन जाए, ताकि जब मम्मी पापा रास्ते से जाए ना, तब लोग खुश होकर बोले, ये देख नासिक की मम्मी पापा। तो अंकल को बोल दे तुझे जॉब नहीं करनी है, अंकल गुस्सा नहीं करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है ना, गुस्सा नहीं करेंगे। मम्मी पापा ने आज तक जो कुछ भी किया ना मेरे लिए किया है सब, मेरे लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, आज शायद मेरा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ सैक्रिफाइस करने का। बहुत खुश है वो लोग आज, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। तो अब मैं कैसे मना कर दूं कि मैं नहीं करना चाहता? अगर वो लोग खुश है तो मैं खुश हूं। तुझे पता है, बोर्ड एग्जाम में मेरा बहुत कम मार्क्स आया था, और मैं चाहता था एक अच्छा बड़ा कॉलेज में एडमिशन, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि नंबर कम था। तभी मैंने देखा कि पापा हाथ जोड़कर बोल रहे कि मेरे बेटे के एडमिशन ले लीजिए। उस दिन मैंने मेरे भगवान को देखा था, जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमारे इंडिया में रेस चलता है पता है, और जहां पर हमें पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि कोई ना कोई आएगा और बोलेगा, जॉब नहीं मिला, बेरोजगार हो, इसीलिए पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि इस रेस से इंडिया चलता है। पापा लोग बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, खुद पैदल चलते हैं लेकिन अपने बेटे को बाइक दिलवाते हैं ताकि उसे चलना ना पड़े। नासिम। हाँ पापा। बेटा, वो सलीम भाई बोल रहा था कि अभी इतने दूर में नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो तू देख इधर ही आसपास अगर कहीं मिले तो अभी देख ले, अगर इधर आसपास कहीं मिल जाए तो, क्योंकि तू दूर जाएगा तो तेरी मम्मी दिन भर रोती रहेगी। हाँ मैं भी वही बोल रहा था अंकल उसे कि अभी उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तू, मैं और टोपी तीनों मिलकर बहुत धूम मचानी है। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। थैंक यू पापा।